नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, और क्योंकि आज एकादशी है तो एकादशी की कथा सुनाऊंगी जो बहुत शुभ रहती है सुनने में। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिनका जन्मदिन है उनका पूरा साल कैसा जाएगा, साल भर के उपाय क्या रहेंगे ये जानने के लिए। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 है, चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 8:04 तक और उसके बाद द्वादशी। मघा नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:57 तक और उसके बाद पूर्वा फागुनी। वृद्धि योग रहेगा रात्रि 1:45 तक और उसके बाद ध्रुव योग। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:51 से 10:57 तक। दिशा शूल पश्चिम। एकादशी को शंबी यानी सेम खाने से पुत्र का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है। साथ ही एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, इससे वाटर रिटेंशन होती है। आज कामदा एकादशी है, पारायण जो होगा इसका, जो व्रत तोड़ने का समय रहेगा वो 20 अप्रैल को 5:50 सुबह के से लेकर सुबह के 8:26 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:41 है शाम के। तो ये था हमारा पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, दी गई चीजें आज वापस मिल सकती हैं, आंख की समस्या परेशान कर सकती है, स्वर्णाभूषणों में धन निवेश कर सकते हैं आप, किसी विदेशी से विवाह करने का मन बना सकते हैं। वृषभ राशि, आज सफलता का दिन है, कोई मनचाही नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे और सबसे मिलजुल कर चलेंगे। मिथुन राशि, एक गुप्त प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं आप, गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कथावाचकों के लिए, पुजारियों के लिए, कला से खेल से जुड़े लोगों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। कर्क राशि, आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा, कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं आप, रिसर्च में सफलता मिलती दिख रही है, आज आप प्रसन्नचित रहेंगे। जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोच रहे हैं उनको सफलता मिलती दिख रही है। सिंह राशि, आज ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम रह सकता है, प्रमोशन में रुकावट आ सकती है, कार्यस्थल पर काम खराब हो सकता है, आज नौकरी जा सकती है, ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कन्या राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है, दूसरों की मदद से स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं, आज आप दूसरों की मदद लेकर अपने काम करेंगे, परिवार के साथ समय बीतेगा। तुला राशि, बहुत मेहनत के उपरांत ही कोई काम बन पाएगा, पुरानी चीजें मरम्मत करा सकते हैं, आज कोई रोग सता सकता है, इस सब के बावजूद सफलता हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि, गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं, संतान की रक्षा आज आप हर तरह से करेंगे, समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे, लव अफेयर रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि, प्रॉपर्टी का विस्तार होता दिख रहा है, मन चाही वस्तुएं खरीद सकते हैं, आलीशान बंगला बना सकते हैं। मकर राशि, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है, लेखन में, खेल व कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, किसी प्रतिष्ठित पद के लिए रोजगार आदेश मिल सकते हैं, आपके प्रशासनिक कौशल के दूर दूर तक चर्चे हो सकते हैं। कुंभ राशि, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी से, वाहन से, जायदाद से लाभ होता दिख रहा है, ईमानदारी से काम करें, शुभ आपका यश फैलेगा। मीन राशि, आज आप स्वयं प्रेरित रहेंगे, ज्ञान अर्जन आत्मविश्वास के साथ करेंगे, अपने में सुधार करेंगे, जब भी आप लो फील करें तो प्राणायाम करें, खास तौर पे अनुलोम विलोम, लाभ जरूर होगा,
अपने मन की बात अपने इष्ट से करें या किसी ऐसे से जो आपकी बात प्यार से सुनता हो। तो ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभो, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल सफलतापूर्वक बीते, यही कामना है हमारी भगवान से। 2024 में रुके हुए काम बनने लगेंगे। सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
नई शुरुआत होगी, आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों के लिए नई आजीविका प्राप्त होगी। सफलता तो मिलेगी किंतु रुकावट के साथ। कठोर मेहनत का साल है, विदेश यात्रा हो सकती है। इस वर्ष अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। पिछले वर्ष मौज करने के बाद आपको गंभीरता के साथ कार्य करने होंगे। यदि आप स्वयं के लिए वर्ष के आरंभ पर विशेष लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप पाएंगे कि वर्ष के आखिर तक आपने उसे पा लिया है। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना ना करें, अन्यथा दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। ये येलो सिट्रीन ब्रेसलेट पहने, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गुरु यंत्र या और स्फटिक का श्री यंत्र की पूजा करें, प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, गुरुवार को पीली मिठाई बांटे, गुरु पादुका पंचकम का पाठ करें। जिस दिशा में गुरु का निवास स्थान हो, उस दिशा में सिर करके साष्टांग दंडवत करें। अगर पूरा साल भर भी आप मेरे बताए उपायों में से कोई 2 उपाय भी नियमित रूप से विश्वास से कर लेते हैं, तो आपका पूरा साल निर्विघ्न जाएगा, ये विश्वास है मेरा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from OneWorld News.